क्या आप इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जाने के लिए सोच रहे हैं जो उज्बेकिस्तान में है? और आप लोग बहुत सारा बंदा डाउट में है, कोई सिक्योरिटी गार्ड काम के लिए जा रहे, कोई वेल्डर में जा रहे, कोई पाइप फिटर में जा रहे, कोई स्ट्रक्चरल फिटर में जा रहे, तो कोई ऑपरेटर में जा रहे, कोई लोडर में जा रहे, कोई फोरमैन में जा रहे, लेकिन हर किसी को डाउट है इस कंपनी को लेके, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिव नेगेटिव कमेंट बाहर आया है। आप जानते होंगे मैं उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान जो कंपनी है उसके बारे में मैं बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और बहुत सारा वीडियो मैं ऐसे बनाया जहाँ पे बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया। उस कंपनी में काम करने वाला बंदे ने भी रिप्लाई किया मेरे वीडियो पे, उसके बदौलत बहुत सारा बंदे का हेल्प हुआ है। जो बंदा कंपनी में जा रहे थे वो फिर से दोबारा सोचने लगे, उसके बाद कैंसिल करा के फिर दूसरे जगह गया है। तो इनमें से आप भी हो और डाउट में है, कंफ्यूजन में हो, तो इंटर इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में कुछ बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक के बदौलत ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचता है। उससे क्या होता है, जो भी बंदा जा रहा है उसको जानकारी मिल जाता है कि कंपनी क्या है नहीं है, नहीं तो बहुत सारा बंदा जाके फंसता है, उसके बाद बहुत सारा दिक्कत प्रॉब्लम में आ रहा है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। बिना लेट किए सीधा वीडियो पे चलते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जा रहे हो तो आप ऑफिस से जाइए, किसी एजेंट से मत जाइए। क्यों, मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के काम में जा रहे तो इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के काम में जो भी बंदा काम कर रहे उनका जो रिस्पॉन्स है अच्छा है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है काम लेके, कुछ भी लेके। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सैलरी का। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में हर किसी को सैलरी 2 महीना रोक के दिया जाता है, आपको हर महीना सैलरी नहीं मिलता, आपको 2 महीना सैलरी आपका रोक देगा, उसके बाद 3रे महीने में आपका सैलरी आएगा। 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख ये फिक्स नहीं है, लेकिन 3रा महीना में आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जो बंदा सिक्योरिटी गार्ड में आना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको सैलरी कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको सैलरी मिल जाएगा, लेकिन लेट आता है और 2 महीना रखने के बाद ही आता है। तो ये तो गया सिक्योरिटी गार्ड का। अभी बात करेंगे वेल्डर का। वेल्डर का क्या सीन है, चाहे आप TIG वेल्डर हो, MIG वेल्डर हो, या फिर 4G या 3G 6G आर्क वेल्डर हो, आप जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, वहाँ जाने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी का जो रूल है रूल के हिसाब से टेस्ट देना पड़ेगा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कंपनी जैसे बोलेगा वैसे आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के बाद आपको बताया जाएगा आप पास है या फेल है। वेल्डर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको दोबारा मौका भी दिया जाता है, अगर आप फर्स्ट बार में टेस्ट में फेल होते हो तो आप दोबारा टेस्ट दे के क्लियर कर सकते हो। अगर आप वेल्डर में जाते हो तो आप जा सकते हो, आपका वेल्डर में जाने के बाद आपको 3-4 दिन में ही आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी बात करेंगे पाइप फिटर के लिए। जो बंदा पाइप फिटर में जाना चाहते हैं उसका क्या है, इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में जो बंदा पाइप फिटर में जाना चाहते हैं वो भी इस कंपनी में जा सकते हैं। पाइप फिटर में आपको काम देगा, कभी कभी आपको दूसरे के साथ भी काम करना होगा, चाहे आपको गैस कटिंग में लगा दिया या फिर आपको ग्राइंडिंग करने दे दिया, तो ये भी काम आपको करना पड़ेगा। आपको किसी भी काम पे ना नहीं बोलना है, अगर आपका ट्रेड का काम रहेगा तब आप उस काम को कर सकते हो, जब काम नहीं रहेगा आपको दूसरे काम करना पड़ेगा। अभी बात करेंगे ऑपरेटर लोगों का। ऑपरेटर लोगों का सबसे मुश्किल है इस कंपनी में, क्यों, क्योंकि बहुत सारा बंदा ऑपरेटर में गए हैं, चाहे वो फोकलिफ्ट ऑपरेटर, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, लोडर, क्रेन, किसी भी आप ऑपरेटर पे जाते हो तो आपका अच्छे से टेस्ट लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के रूल के हिसाब से जो रूल है जो है उस हिसाब से आपको टेस्ट लिया जाएगा,
टेस्ट में अगर आप पास करते हो तो आपका ड्यूटी चालू हो जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, आपका ड्रेस वगैरह जो है सब दिया जाएगा, आपका कार्ड बनाया जाएगा, उसके बाद आपको ड्यूटी दिया जाएगा। हो सकता है आपको पहला एक महीना आपको गाड़ी नहीं मिले, लेकिन उसके बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टेस्ट में फेल करते हो तो डिसीजन पूरा कंपनी का है। अगर कंपनी चाहे आपको वापस भेज सकते हैं, अगर कंपनी चाहे आपको दूसरे काम पे लगा सकते हैं। सो एक कंपनी डिपेंड है, कंपनी आपको क्या करेगा किस पोजीशन पे। सो ये आपको जाना है तो आप रिस्क लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट पास कर लोगे, आपका हाथ सही है, आप बहुत जगह काम किए हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जा सकते हो इस काम में किसी भी ऑपरेटर में। लेकिन कंडीशन है आपको टेस्ट पास करना ही है। जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट होने के बाद कुछ दिन में आपको बताया जाएगा आप टेस्ट पास हो या फेल हो। अगर पास करते हो तो कोई मसला नहीं, आपको काम दिया जाएगा। अगर फेल होते हो तो कंपनी का डिपेंड है। अभी बात करेंगे ड्राइवर लोगों को। क्या दोस्तों, ड्राइवर लोगों का भी सेम है, चाहे वो हेवी ड्राइवर हो, लाइट ड्राइवर हो, मीडियम ड्राइवर हो, उनका भी टेस्ट लिया जाता है। अगर आप इनमें से पास कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हो। अगर फेल हो जाते हो तो कंपनी डिपेंडेबल हो जाते हो, कंपनी आपको चाहे तो वापस अपने मुल्क जहाँ से भी हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आपको मुल्क भेज सकता है या फिर आपको दूसरे काम में लगा सकता है। ये कंपनी डिपेंड है। अभी मैं क्यों आपको बोल रहा था कि आप अच्छे ऑफिस से जाइए, क्योंकि अगर आप ऑफिस से जाते हो, वहाँ पे जाके अगर आपका टेस्ट फेल हो गया, आप वापस आ गए, तो जो अच्छा ऑफिस है, जैसे एशिया पावर से जाते हो, बहुत सारा ऐसा अच्छा ऑफिस में भी इसका रिक्रूटमेंट आता है, और बहुत सारा ऐसा एजेंट के पास भी आता है। जैसे दिल्ली में बहुत सारा एजेंट है, यूपी के गोरखपुर में बहुत सारा एजेंट है, तो अगर एजेंट के पास से जाते हो तो एजेंट आपको पैसा रिटर्न नहीं करता, क्योंकि बहुत सारा बंदा जो है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक भर के गया है उज्बेकिस्तान की इस कंपनी में। लेकिन आप अगर एजेंट के पास से जाते हो तब आपको अगर टेस्ट फेल हो जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, दिक्कत का सामना पड़ना पड़ता है, कंपनी आपको रिटर्न भेजने के लिए सोचता है, रिटर्न भेज देता है, तब आपका जो पैसा है जितना आप भर के गए थे वो आपको वापस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि जो भी बंदा बाहर किसी भी मुल्क में काम करने जाते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। सो मैं आपको यही दरख्वास्त करूंगा, कभी आप जा रहे हैं आप अच्छे ऑफिस से जाइए, क्योंकि अच्छे ऑफिस से आप जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको ऑफिस से रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ से टेस्ट भी फेल होते हो तो आप ऑफिस से बातचीत कर सकते हो, ऑफिस भी कंपनी में मेल करके बातचीत करेगा, उसके बाद आपका एक अंडरस्टैंडिंग होकर आप वापस आ सकते हैं और आपका पैसा भी रिटर्न आएगा। लेकिन एजेंट क्या होता है, एजेंट अकेला नहीं होता, जो एजेंट के बीच में 2-3 और बंदा रहता है, इसके लिए वो जो आप जो भर के जाते हो 1.5 लाख 2 लाख वो डिवाइड हो जाता है। सो आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो मिलना आपको बहुत ही दिक्कत हो जाता है। सो अगर आप जा रहे हो, मैं आपको जो भी ट्रेड का काम बताया आप इस काम में जा सकते हो। सैलरी का जो मसला है मैं बताया, इंटर इंजीनियरिंग का और भी 2 वीडियो में बनाया हूँ, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से कंपनी के बारे में बताया था। सैलरी के बारे में मैं आपको बता दिया, सैलरी यहाँ पे टाइम पे नहीं है, मैं एक वीडियो पे बताया था टाइम पे सैलरी है, लेकिन बहुत सारा बंदा मुझे कॉन्टेक्ट किया और बताया कि सैलरी ऐसा है 2 महीना बाद सैलरी मिलता है, 2 महीना का पैसा आपको रोक लेता है। बाकी आपका मर्जी, जो अच्छा लगे आप कीजिए, मैं आपको मेरा बताना मैं सोचा आपको बताना चाहिए इसलिए मैं आप लोगों को बताया। उसके बाद आपका जो सोच है, आप जो सोचते हैं उस हिसाब से आप जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही है।